तुम, तुम्हें मैंने पहले भी मना किया था कि यहां मत आना, जाओ यहां से और अंदर यहां मत आना। और तुम, तुमसे तो मैं बिल्कुल बात करना नहीं चाहता। मत छुओ मुझे, मैं तुमसे बिल्कुल बात करना नहीं चाहता। अबू मुझे माफ कर। बेटा मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया कि दोस्तों को घर पे मत बुलाया करो। काश तुम्हारी माँ जिंदा होती या तुम्हारा कोई बहन भाई होता तो तुम्हें समझाता। बेटे तुम मेरी अकलौती औलाद हो, दोस्तों को घर पे मत बुलाया करो बेटा, मत बुलाया करो। मत बुलाया, कुछ कहने का मौका नहीं, बस आप नाराज ना। यार सोनू, अब्बू की बात का बुरा मत मानना। अरे यार कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, तो टेंशन नहीं ले यार। मेरा भाई, अच्छा मैं तुझे बताना भूल गया कि मैं 5 दिन के लिए जा रहा हूँ लाहौर। अच्छा ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि यार फिर तू अब्बू को बुरा लगता है तुझे पता है, तो लिहाजा घर पे जरा चक्कर ना। अरे तू बेफिक्र, जब तू नहीं होगा तो मेरा वहाँ क्या काम यार। मेरा भाई, जब तू आ जाएगा तो मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। ओके ठीक है। जी कौन? जी भाभी मैं सोनू, गेट खोले। हाँ बोलो। भाभी मुझे आपसे काम था। भाभी आप इतनी मेहनत करती हैं, इतने काम करती हैं, ना ही आपके शौहर को आपकी कोई फिक्र है और ना ही ससुर को, बस मुझे आपकी फिक्र लगी रहती है। चलें ठीक है। अच्छा ठीक है। भाभी ये मैं आपके लिए सूट लाया था, आप वैसी इतनी प्यारी हैं, ये पहन के और खूबसूरत लगेंगे माशाल्लाह। थैंक यू, पहनिएगा ज़रूर। कहीं प्यार ना हो जाए। यार बड़ी अच्छी तस्वीरें आई हैं तुम्हारी, तुम लाहौर तस्वीरें खिंचवाने गए थे, काम करने गए थे? अरे एक मिनट, फ़ोन आ गया यार, एक मिनट आता हूँ। हेलो, तुम्हारे शोहर के साथ खड़ा हूँ तो मुझे फंसवाओगे किसी दिन? अच्छा मतलब शादी करनी है? ठीक हो गया, बस आज रात को 3 बजे मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें, फिर सोच लो फिर ज़िंदगी गुजारोगी मेरे साथ, मैं तुमसे वैसे ही बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है आज रात को 3 बजे फिर। ओके अपना बैग पैक कर लेना। ठीक है अल्लाह हाफिज़। अबे यार वो एक दोस्त का फ़ोन आ गया था, बहुत अच्छी तस्वीरें आई हैं यार। अब्बू, 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 क्या हुआ बेटा? क्या क्या हुआ? क्यों परेशान हो रहा है? सानिया मुझे छोड़ के चली गई। सानिया? सानिया तुझे छोड़कर चली गई? मैं तुझे समझाता था ना बेटा कि दोस्तों को घर पे मत बुलाया करो, ये मक्का फाते अमल है, जो बहोगे वो काटोगे। अब तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा बेटा। अब तुम्हें पता चला कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त की दोस्ती कितनी महंगी पड़ी है, कितनी महंगी पड़ी, कितनी महंगी पड़ी है। या अल्लाह ये क्या हुआ मेरे साथ? जिसके खातिर मैंने अपने शोहर को छोड़ा, अपना घर बर्बाद कर दिया, वो मुझे ही छोड़कर चला गया।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि ये मैसेज भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा तो प्लीज़ इस पर अमल करें। दोस्ती बहुत अच्छी है, लेकिन दोस्ती बाहर की अच्छी है, घर की दोस्ती अच्छी नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। जावेद सानू के साथ अकरम सोनू, खुदा हाफिज़।